गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन इन सागरिका व्लॉग्स। तो बहुत दिनों बाद मैं हिंदी में व्लॉग अभी डाल रही हूँ, ओके, क्योंकि बहुत सारा बंगाली हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ा स्विच करके देखते हैं। सो या आज है राधा अष्टमी, ओके। राधा जी का जन्म हुआ था इस दिन जितना मुझे मालूम है, अगर आपको कुछ मालूम है ज़्यादा तो मुझे कमेंट में बताना। मम्मी सुबह सुबह उठ के राधा रानी को स्नान करवा रही थी, पहले दूध से स्नान करवाया, देन गंगा जल, देन यहाँ पे फूलों की बरसात कर रही थी राधा रानी के ऊपर, जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत ही पीसफुल वाला माहौल हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कोई भी ओकेजन होना भगवान का तो अच्छा ही लगता है एंड मन भी एकदम खुशी रहता है। मैं मम्मी यहाँ पे जितना राधा रानी को सजा रही थी ना, उतना उनका निखार मतलब खिल रहा था, मतलब जितना सजा उतना कम है, काइंड ऑफ ऐसा। तो या हमारे घर पे ऐसा मतलब है कि भगवान का कोई भी फंक्शन होना तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि कोई भी उसमें त्रुटि ना रहे, मतलब कोई भी उसमें कमी ना रहे। मम्मी यहाँ पे पूरा कोशिश कर रही थी कि अच्छा दिखे। राधा रानी का दिन है आज तो उनको बहुत सुंदर दिखना है आज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मतलब ये शॉर्ट जो है ऐसा मैंने शॉर्ट यूट्यूब में भी डाला है, आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, चेकआउट करना मत भूलना मेरा यूट्यूब चैनल अगर नहीं देखा है तो। उसके बाद मम्मी यहाँ पे भोग दे रही थी, भोग लगाने के बाद रिमी भी आ गई थी ज्वाइन करने के लिए, एंड देन आंटी ने और मम्मी ने यहाँ पे मिलके कीर्तन गाया। एंड मुझे ये कमेंट करना कि धुनुषी का खुशबू किस किस को अच्छा लगता है, ओके। आगे मिलती हूँ व्लॉग में, कमेंट करना एंड लाइक कर देना वीडियो को। बाय।